प्रवीण और आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार विस्तार से। अर्चक पुरोहित संघ ने देश में बढ़ती ब्राह्मण की हत्या को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम डीएम को सौंपा। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे अर्चक पुरोहित संघ द्वारा देश में बढ़ती ब्राह्मणों की हत्या को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम डीएम को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, लेकिन सड़क भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मण समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है एवं उनकी हत्या की जा रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस विभाग द्वारा भी ब्राह्मण समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन फिर भी योगी सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। इसलिए वह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए और उनकी मांगे पूरी की जाए। जी आपका नाम पंडित जी? मेरा नाम पंडित ब्रज बिहारी अत्री है। अत्री जी, आज के इस मुद्दों को लेकर क्या बन गया? हम अर्चक पुरोहित संघ के सभी पदाधिकारी और संघ के सभी सदस्य आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें कि हमने मांग की है कि देश में प्रदेश में जो आज भयावह वातावरण बना हुआ है, हमारा पंडित समाज, खास तौर से मठ मंदिरों के पुजारी, साधु संन्यासी सभी चिंतित हैं। इनकी हत्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन देश में प्रदेश में इनकी हत्याएं हो रही हैं। हम यह जानना चाहते हैं सरकार से, क्या ये कोई षड्यंत्र है, और अगर यह षड्यंत्र है तो इसकी जांच कराना, जानकारी करना सरकार का कार्य है। शीघ्र ही इनके रहस्य को खोला जाए, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करें और अपराधियों को अंदर किया जाए सभी को, ताकि हमारा समाज भयमुक्त हो सके। पंडित जी, लगातार ब्राह्मणों पे इस तरह की घटनाएं हो रही, राजस्थान में भी हुई है जी, जी मेरठ में भी हुई थी जी, इस तरह की घटनाएं हुई है जी, तो क्या ब्राह्मण समाज धन्य प्रदर्शन तक सीमित रहेगा? बिल्कुल करेगा। अगर सरकार कोई कार्य नहीं करती तो हमारा समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, और जो भी सड़क पर उतर कर जो भी हमारे योग्य कार्य होगा वो अधिक से अधिक हम लोग सम्मिल करके करेंगे।